पटना विश्वविद्यालय की क्रांतिकारी धरती ने आपको जवाब देने का काम किया जेपी नड्डा जी। ये विरोध उन सभी नेताओं के लिए है जिन्होंने बिहार के छात्र नौजवान युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। भाजपा नेताओं को कहना चाहता हूँ कि पटना विश्वविद्यालय आने की जरूरत मत करना। पूरा बिहार आप घूम सकते हैं लेकिन पटना विश्वविद्यालय घुसने के लिए भाजपा के नेताओं को सोचना पड़ेगा, इस बात को याद रखिएगा। आज बिहार के क्रांतिकारी धरती से जिस तरह से जेपी नड्डा जी उल्टे पांव भागे हैं, ये सोचने पे मजबूर करेगा भाजपा और उनके नेताओं को कि आपने जिस तरह से बेरोजगारी, भूखमरी और महंगाई और शिक्षा व्यवस्था को आपने जिस तरह से बर्बाद करने का एक प्रयास किया है, पटना विश्वविद्यालय की क्रांतिकारी धरती ने आपको जवाब देने का काम किया जेपी नड्डा जी। ये विरोध उन सभी नेताओं के लिए है जिन्होंने बिहार के छात्र नौजवान युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। आज के विरोध से मैं भाजपा नेताओं को कहना चाहता हूं कि पटना विश्वविद्यालय आने की जरूरत मत करना। ये पटना विश्वविद्यालय क्रांतिकारियों की धरती रही है। यहाँ नेता पैदा नहीं होते हैं, यहाँ क्रांतिकारी पैदा होते हैं। आप पूरा पटना घूम के पटना विश्वविद्यालय आए थे और आप क्यों आए पटना विश्वविद्यालय? जिस पटना विश्वविद्यालय के पटना कॉलेज में आए थे उसको सी ग्रेड मिला है। गंगा किनारे बसा हुआ पटना विश्वविद्यालय, ईस्ट का ऑक्सफोर्ड पटना विश्वविद्यालय, उसको पूरी तरह से धूमिल करने में आपका हाथ रहा है और आप यहाँ वाहवाही लूटने के लिए पटना विश्वविद्यालय आए थे। पूरा बिहार आप घूम सकते हैं लेकिन पटना विश्वविद्यालय घुसने के लिए भाजपा के नेताओं को सोचना पड़ेगा, इस बात को याद रखिएगा। चेतावनी, अमित शाह भी पटना आ रहे हैं। आप जिस तरह से देश को और बिहार को और शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं, ये पटना विश्वविद्यालय का छात्र नौजवान युवा कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप लगातार छात्र हितों पे, छात्रों पे लगातार आप कहीं ना कहीं हमला करने के एक प्रयास कर रहे हैं जिसे पटना विश्वविद्यालय की धरती कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसीलिए आज हम सभी ने मिलकर आपको चेतावनी देने का काम किया है। हमने बस आपका विरोध मात्र किया है। अगर आप अभी भी नहीं संभले तो पूरे बिहार में और अगली बार आपको गेट पे रोक दिया जाएगा। हमने मौका दिया कि आप हमारे पटना विश्वविद्यालय की स्थिति को देख लीजिए, इसीलिए नहीं तो वरना हमने आपको गेट के अंदर नहीं घुसने देते। ये पटना विश्वविद्यालय है जहां से आपके समकक्ष बैठने वाले लोग भी यहीं से राजनीति करके गए हैं। भले वो ये भूल गए हो कि हम पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं, लेकिन हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहेंगे और आप जैसे नेता अगर हमारे विश्वविद्यालय को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे तो आपको इसी तरह से जवाब देने का हमारे विश्वविद्यालय के छात्र नेता काम करेंगे। मनीष यादव, छात्र संघ अध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय।